अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग बैलेंस इज अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ मलीर कंपनी एज ऑन नवंबर 30, 2000। मलीर कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है सवाल के अंदर, ठीक है जी। ये कंपनी की पूरी बैलेंस शीट है, इक्विटी साइड है, देन एसेट साइड है। उसके बाद मलीर कंपनी लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब बाय कराची कंपनी लिमिटेड, मलीर कंपनी को कराची ने एब्जॉर्ब कर लिया। All assets except cash to be taken over at book value. सारे assets ले लिए, ठीक है, सिवाय cash के। Purchase consideration बताइए, cash दिया है 2 लाख, shares दिए 5 लाख। अच्छा जी, मलीर कंपनी लिमिटेड पेड 95,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, यानी अकाउंट पेबल ने अपना खुद पे किया, एंड 15,000 एज लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी खुद 15,000 का कंपनी खत्म करने का खर्चा भी दिया। शेयर्स एंड रिमेनिंग कैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ मलीर कंपनी लिमिटेड, और जो बाकी शेयर होल्डर है वो कंपनी के शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, तो शेयर्स वहां से मिले। अच्छा जी, रिक्वायर्ड क्या है, जर्नल एंट्री बनानी है मलीर और कराची की। शुरू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो भाई क्या क्या मिला है वहां से, कराची कंपनी से शेयर्स मिले और कैश मिला, 5 लाख और 2 लाख, यानी कि 7 लाख की टोटल आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई। तो आपने 7 लाख की परचेज कंसिडरेशन बना ली। उसके बाद बनानी जर्नल एंट्रीज, मलीर कंपनी लिमिटेड जनरल जनरल, पहली एंट्री बनती है टू सेल ऑल दी एसेट्स, यानी मलीर कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच देगी। कैश मना कर दिए सवाल में, तो एसेट्स कौन कौन से हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, ठीक है जी, और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, और कैश तो मना कर दिया। बाकी रिटेन अर्निंग का डेफिसिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, तो उन्होंने एसेट साइड पर लिखा हुआ है। तो भाई 2.5 लाख की इक्विपमेंट है, 5,50,000 का अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है जी, 2.5 लाख की एक इक्विपमेंट है और 5,50,000 का रिसीवेबल है, दोनों को ऐड करा तो 8 लाख का रियलाइजेशन अकाउंट पहली एंट्री का आ गया, यानी आपके एसेट्स की वैल्यू 1 लाख की रियलाइज की गई। दूसरी एंट्री पे आते हैं, लाइबिलिटी और काउंटर एसेट्स की क्लोजिंग करेंगे यानी। तो भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर एप्रिसिएशन है, और अकाउंट पेबल 1 लाख था लेकिन उसकी पेमेंट खुद की गई है, तो जब जिसकी खुद पेमेंट की जाती है वो न्यू कंपनी में नहीं जाता, तो अकाउंट पेबल कितना था आपका उसको नहीं लेंगे, सिर्फ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स लेंगे, कितना 30,000 और 20,000। दूसरी एंट्री में दोनों जाएंगे डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 50,000 से। तीसरी चौथी बनती है परचेज कंसिडरेशन की, तो भाई कितने की परचेज कंसिडरेशन हुई है, 7 लाख की, तो पहली एंट्री तो 7 लाख से बन जाएगी परचेज कंसिडरेशन से। नंबर 3, रिसीवेबल फ्रॉम कराची लिमिटेड 7 लाख से डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट 7 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। चौथी एंट्री में जो जो रिसीव होता है, तो क्या क्या रिसीव हुआ, शेयर्स और कैश रिसीव हुए जो हमने परचेज कंसिडरेशन में लिखे थे, वही दोनों हमने एज इट इज कॉपी कर लिए, 5 लाख के शेयर्स और 2 लाख का कैश, दोनों को प्लस किया तो हो गया ये 7 लाख की टोटल परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद आप क्लोज करेंगे जो भी आपने फर्दर चीजें की हैं, जैसे कि लाइबिलिटी पे करी है, लिक्विडेशन एक्सपेंस यानी कंपनी खत्म करने का खर्चा दिया, तो 15,000 कराची ने खुद, तो क्या नाम है, मलीर ने खुद दिया लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000 से। फिर लाइबिलिटी अकाउंट पेबल था 1 लाख, उसके बदले दिया 95,000, तो अकाउंट पेबल डेबिट 1 लाख से, 95 से कैश क्रेडिट हो जाएगा और 5,000 से आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। अगली एंट्री पे आते हैं। अब सारी जो अदर एंट्री हो गई वो होने के बाद शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कैपिटल था 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, कहाँ गिवन है देखिए, यहाँ सवाल के अंदर कैपिटल था आपके पास 10 लाख, उसको आपने जैसे ढाई कॉपी किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन को प्लस माइनस करेंगे, पहली एंट्री में हुआ डेबिट 8 लाख से, दूसरी में हुआ 50,000 से क्रेडिट यानी 7.5 लाख, तीसरी एंट्री में 7 लाख से क्रेडिट हुआ, ठीक है, चौथी एंट्री में 15,000 से डेबिट हुआ, सॉरी पांचवी एंट्री में, आप प्लस माइनस करते चले जाएंगे, छठी एंट्री में 5,000 से क्रेडिट हुआ, इसको प्लस माइनस किया यानी डेबिट सारे प्लस करे रियलाइजेशन के और क्रेडिट सारे माइनस करे, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था, सॉरी डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो हमने कर दिया क्रेडिट। जब डेबिट साइड ज़्यादा हुआ है तो प्लस माइनस करके जो बैलेंस डेबिट साइड का ज़्यादा आया उसकी वजह से हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद रिटेन अर्निंग अकाउंट भी डेबिट साइड पे आ रहा था,
यानी एसेट साइड पे, तो उसे हम क्या कर देंगे, 2 लाख आ रहा था वहां क्रेडिट कर देंगे। मैंने क्लोज होता है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 1 लाख में से अब दोनों को माइनस करेंगे तो 8 लाख आपका शेयर होल्डर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। 8 लाख नहीं सॉरी, ये 740 का आएगा, ये शेयर होल्डर अकाउंट कितना आएगा, 7,40,000 का आ जाएगा। अगली एंट्री में शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर्स और कैश क्रेडिट, 5 लाख के शेयर से क्रेडिट करे और रिमेनिंग माइनस करके कैश आ जाएगा 2,40,000। अब दूसरी कंपनी की एंट्री बनाएंगे यानी कराची की, कराची कंपनी लिमिटेड, तो क्या क्या रिसीव कर रहा है, अकाउंट रिसीवेबल इसकी कंपनी में आएगा क्योंकि कैश मना कर दिया था, 550 का अकाउंट रिसीवेबल आया, एसेट से 2.5 लाख, इसमें से उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस कर देंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट कितना ऊपर लिखा हुआ है देखें, अभी आते हैं ऊपर, 2.5 लाख की आपकी इक्विपमेंट है, ये रहा सवाल, ऑफिस इक्विपमेंट 2.5 लाख और डेप्रिसिएशन है 30,000, 2.5 लाख माइनस 30 कितना आ जाएगा, 2,20,000, ठीक है। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स देखा कितना है, 20,000 था, और पेबल कितना था, 7 लाख, पेबल टू मलिर लिमिटेड था आपका 7 लाख। दोनों के डिफरेंस से डेबिट कम होगा तो गुडविल, क्रेडिट कम होगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 50,000। अगली एंट्री में पेबल टू मलिर लिमिटेड डेबिट, शेयर दिए 5 लाख क्रेडिट और कैश दिया 2 लाख से क्रेडिट जाएगा, ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारा खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बैलेंस शीट गिवन है करीम लिमिटेड की, बहुत ज्यादा अंडर थोड़ा कैपिटल है, पीड अप कैपिटल है, शेयर्स प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, यानी सारी आइटम आपके पास करीम लिमिटेड के गिवन है। उसके बाद कह रहा है करीम लिमिटेड वाज अब्सॉर्ब्ड बाय रहीम लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, करीम को रहीम ने खरीद लिया, ऑल द एसेट्स एंड अकाउंट पेबल वर टेकन ओवर बाय अब्सॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यूज, सारे एसेट ले लिए, ठीक है, और अकाउंट पेबल भी ले लिया, किस पे, बुक वैल्यू, लेकिन सवाल में एसेट्स तो गिवन ही नहीं है। पहला पैसा निकालेंगे, फिर करीम लिमिटेड रिसीव 40,000 शेयर्स 10 के हिसाब से और कैश कितना दिया, 60,000 कैश दिया फ्रॉम अब्सॉर्बिंग कंपनी, यानी 40,000 शेयर और 60,000 कैश। बॉन्ड होल्डर ने दिए 11,000 शेयर उनको मिले बॉन्ड होल्डर को कंपनी के, ठीक है ना। ऊपर बॉन्ड होल्डर कितने के थे आपके पास, 1 लाख के थे, और 11,000 में बैठे 1,10,000 के बॉन्ड्स मिल रहे हैं, यानी बॉन्ड्स वालों को ज्यादा शेयर मिल रहे हैं अमाउंट से। फिर रहीम लिमिटेड ने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया, यानी जो नई कंपनी उसने पे किया, तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है उन परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा क्योंकि नई कंपनी पुरानी करीम को ख़त्म करने का खर्चा दे रही है, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी कंप्यूटेशन की तरफ, यानी परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे पहले जो रिक्वायर्ड है, और फिर बनाएंगे जनरल करीम और रहीम दोनों को। तो क्या क्या रिसीव हो रहा है भाई, देखिए शेयर मिले 40,000 यानी 4 लाख के, कैश मिला 60,000, टोटल बना 4,60,000। डिवेंचर पे आते हैं, 11,000 शेयर दिए 10 के हिसाब से 1,10,000 बना, लिक्विडेशन एक्सपेंस 10,000 दोनों मिला 1,20,000 बना, ठीक है, दोनों को ऐड करा 5,80,000 की परचेज कंसिडरेशन आ गई। अब यहाँ लिक्विडेशन एक्सपेंस परचेज कंसिडरेशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यू कंपनी खुद पे कर रही है, तो कितनी बनी परचेजेशन, 5,80,000। अब करीम की एंट्री बनाने से पहले करीम के एसेट्स देख लेते हैं कैसा है, देखो सारी इक्विटी जो गिवन थी सवाल में सब प्लस कर दी, 6 लाख बनी, बॉन्ड्स पेबल और अकाउंट पेबल भी ऐड कर दिए, टोटल जितनी इक्विटी होती है उतना एसेट्स होता है, तो आपकी 7,60,000 की टोटल इक्विटी बन रही है, तो उतने ही आपका टोटल एसेट्स भी आ जाएगा 7,60,000। उसमें से आप क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे आप, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने माइनस कर देंगे, तो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एसेट्स टू बी टेकन ओवर, 60,60,000 के एसेट थे, 6,60,000 के एसेट्स थे जो कि टेक ओवर किए गए, ठीक है जी। या भी पहली परचेज क्या नाम एसेट्स की वैल्यू जो कि पहली एंट्री में रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना, यहाँ एसेट्स क्रेडिट 6,60,000 थे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट सवाल में गिवन नहीं थे तो हमने नीचे कैलकुलेट किया और वो लिख दिया। उसके बाद लाइबिलिटी देखते हैं कौन कौन सी है, तो पेड अप कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, बॉन्ड्स पेबल तो बोल दिया था, उसके बदले शेयर दे दिए, अकाउंट पेबल था 60,000। अब यहाँ ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स है ना डेप्रिसिएशन है, तो वो दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अकाउंट पेबल डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 60,000। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम थर्ड एंट्री पे आते हैं जो बनती है परचेज कंसिडरेशन की।
तो कितने की परचेज कंसेशन हुई हमारे पास, 5,80,000 की। तो ये बनेगा रिसीवेबल फ्रॉम रहीम लिमिटेड डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 5,80,000 से। चौथी एंट्री में जो जो रिसीव हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि शेयर्स मिले हमें कितने, 4,00,000 और 1,10,000, यानी 5,10,000 के शेयर मिले, यहाँ शेयर हो गए 5,10,000 के। कैश बना कितना, कैश देखिए 60,10,000 70,000 के कैश बना, प्लस करा रिसीवेबल फ्रॉम करीम लिमिटेड क्रेडिट किया 5,80,000 से, ठीक है। फिर आते हैं पांचवी एंट्री पे, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया था उसकी एंट्री बनाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद बॉन्ड से बल्ते 1,00,000 के, उसके बदले 1,10,000 के शेयर्स दिए, तो बॉन्ड से बल हो गए डेबिट 1,00,000 से और 1,10,000 के शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, दोनों के डिफरेंस से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,00,000 से, ठीक है जी। अगली एंट्री पे आते हैं, अब इक्विटी क्लोज करेंगे। तो जो जो इक्विटी आइटम है हमारे पास सवाल में, क्या क्या देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल 4,00,000, प्रीमियम 50,000, रिटेन अर्निंग 1,00,000, रिजर्व 50,000, ठीक है, बाउंस तो नहीं आएगा, और प्रीमियम एक्सपेंस है 1,00,000। ये सारी चीज़ें एंट्री में आएंगी, ये बाकी सारे क्रेडिट से डेबिट होंगे, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट भी आएगा उसके अंदर, इसको क्लोज भी कर देंगे। ये आगे इक्विटी आइटम सारे सारे कैपिटल्स, प्रीमियम, रिटेन एंड रिजर्व डेबिट, ठीक है, और प्रीमियम एक्सपेंस हुआ क्रेडिट, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस वगैरह लिखेंगे। पहले इनके में डेबिट हुआ 6,60,000 से, दूसरे में क्रेडिट हुआ 60,000 से, 6,00,000 बैलेंस हुआ, फिर 5,80,000 से और क्रेडिट हुआ तो 20,000 बैलेंस क्रेडिट साइड पर ज़्यादा आया, फिर 10,00,000 से डेबिट हुआ, ठीक है ना, फिर 10,00,000 से डेबिट हुआ, फिर और 10,00,000 से डेबिट हुआ, तो रियलाइजेशन का बैलेंस बना आपके पास 40,000 प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है जी। और ये सब प्लस करके इन दोनों को माइनस किया, इन्हें डेबिट साइड सारी प्लस करी, क्रेडिट माइनस करा, शेयरहोल्डर अकाउंट आ जाएगा 4,60,000। लास्ट एंट्री में शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर दिए 4,00,000 के और कैश दिया 60,000, ठीक है, किसको, शेयर होल्डर्स को। अब बनाते हैं न्यू कंपनी की एंट्री, 6,60,000 के एसेट्स निकाले थे, तो यहाँ डेबिट हो जाएंगे, अकाउंट रिवल 60,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 5,80,000 उससे पेबल टू करीम लिमिटेड करेंगे क्रेडिट, ठीक है ना, पेबल टू करीम लिमिटेड किया क्रेडिट। इसकी एंट्री बना रहे रहीम, यानी न्यू कंपनी रहीम कंपनी। अब करीम को पैसे देने 5,80,000, यहाँ किए डेबिट 5,80,000 से करीम लिमिटेड डेबिट, शेयर्स कैपिटल 5,10,000 दिए थे परचेज कंसेशन के, और बाकी दिया था कैश आपने, कितना कैश दिया था, कैश दिया था 70,000, ठीक है जी। शेयर्स कहाँ से आए, डिबेंचर होल्डर के शेयर 1,10,000 और 4,00,000 शेयर होल्डर के शेयर, प्लस करें 5,10,000 बना, कैश था जनरली दिया 60,000 और लिक्विडेशन एक्सपेंस ये 10,000, तो मिला बना 70,000। ओके बच्चों, सर यासर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।